हेलो एवरीवन सो आज हम सीएपीएफ एग्जाम के पॉलिटी सेक्शन का पीवाईक्यू एनालाइज करने जा रहे हैं एंड देखेंगे यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस आपके लक्ष्मीकांत से पूछे हैं एंड उसका रेफरेंस आपको लक्ष्मीकांत में ही मिलेगा राइट सो देखिए टोटल नाइन क्वेश्चन है पॉलिटी से एंड उसमें सेवन क्वेश्चन का रेफरेंस आपका लक्ष्मीकांत है राइट एंड देखिए यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे हैं जो नो no डाउट हर एक बच्चा उस टॉपिक से रेफर हुआ होगा गो थ्रू हुआ होगा जब वो लक्ष्मीकांत को पढ़ रहा होगा राइट लेकिन यूपीएससी ने वो क्वेश्चन को ऐसे पूछा है नो no डाउट आपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया होगा राइट तो हम आगे देखते हैं यूपीएससी ने वो क्वेश्चन में क्या चेंज किया है तो फादर आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे तो और टॉपिक को आप कैसे कवर अप करेंगे राइट तो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज स्टैब्लिस्ड अंडर द स्टेच्यूट ऑफ देखिए ये क्वेश्चन को डायरेक्टली आपके लक्ष्मीकांत से लिया गया है आप देख सकते हैं ये किसके अंडर था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 नाइनटी थ्री राइट तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा एन आप ये देखिए क्वेश्चन इजी है नो no डाउट आपकी लक्ष्मीकांत में इसका मेंशन एज इट इज दिया गया है लेकिन

कोई भी लाइन को कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करना है बिकॉज यूपीएससी बहुत डायनेमिक हो रहा है एंड वो जो चैप्टर से पहले क्वेश्चन पूछता था उसको छोड़ के अब वो अलग चैप्टर पे मूव कर रहा है जहां पे से वो क्वेश्चन पहले नहीं पूछता था राइट right? एंड आप देख सकते हैं इसी चैप्टर से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से ऑलरेडी सी ए पी एफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है राइट right? कोई भी चैप्टर ऐसा है जो कि रिसेंट पास में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है चाहे वो सी से क्वेश्चन आया हुआ हो सी तो आपको वो एग्जाम को अच्छे से रेफर करना है, राइट? इस साल जैसे से आया हुआ है ठीक है तो आपको 2024 में जो भी एग्जाम देने जा रहा है उसको ये भी चैप्टर को अच्छे से करना है जैसे यहां पे 2022 में, में पूछ लिया नेशनल राइट कमीशन में तो एक साल तो पूछा आपसे और इस साल भी टू में क्वेश्चन पूछ लिया है यूपीएससी ने तो क्या पता इस साल टू में आपसे यूपीएससी ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में क्वेश्चन पूछा सो तो क्या पता नेक्स्ट ईयर आपसे 2024 में भी सेम चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले राइट तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को टैकल करना है पीवाईक्यू को कि उसको देखना है यूपीएससी कहां पे शिफ्ट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी हमारी प्रिपरेशन को मूव ऑन करनी है राइट नेक्स्ट so, क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज आर करेक्ट देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या बोलता है, शाल, इंफॉर्मेशन कमिश्नर देखिए आपका मेंशन किया गया है द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन टेन इंफॉर्मेशन कमीशन देखिये यूपीएससी ने सिर्फ आपके नंबर को चेंज किया है राइट right? तो इससे आपका वन होगा नहीं सी भी नहीं होगा डी भी नहीं होगा तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा एंड जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इज एलिजिबल फॉर जी नहीं वो नहीं होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट राइट तो देख रहे हैं यूपीएससी ने कितनी छोटी सी चीज को चेंज किया था एंड अगर आपको ये छोटी सी चीज पता होती तो आप एलिमिनेशन यूज करके आप बी को राइट करके आ गए होते ये क्वेश्चन आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से पूछा गया है तो जो भी बच्चे 2024 की प्रिपेयर कर रहे होंगे प्लीज आप इस चैप्टर को भी रेफर कर लीजिएगा अच्छे से ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट देखिए आपके तीन लिस्ट होते हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट राइट तो अगर आप इसके थर्ड ऑप्शन को देखेंगे द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट देखिए ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है मैं आपको बताता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि जितने भी आपके पॉइंट्स दिए हैं यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में आपको सब पढ़ने हैं ओके आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो पी में आया हुआ है अगर आप सी एपीएफ सी डी एस एंड एनडीए क्वेश्चन को उठाएंगे नो डाउट यूपीएससी ने इस टॉपिक से ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन पूछे हुए होंगे तो आपको उस पर फोकस करना है उसको नोट डाउन करना है कि वो सारे पॉइंट किसमें आते हैं यूनियन में आते हैं स्टेट में आते हैं में आते हैं राइट है, right? तो आपको उससे इस टॉपिक को आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है बिकॉज इतने सारे पॉइंट आप याद नहीं कर पाएंगे एंड यूपीएससी आपको सारे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट में पूछ लेता है ओके okay? सो so वैसे इसका आंसर सी आ जाएगा इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स किसके अंदर आता है ये यूनियन लिस्ट में आता है ओके एंड देखिए और आप इस क्वेश्चन से क्या सीखते हैं आप यहाँ पे नॉट राइट right पूछा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा तो ए बी एंड डी आपके राइट right हैं तो आपको इस भी फोकस करना है राइट right? क्या पता आपसे सी डी एस टू टू थाउजेंड में इसमें से क्वेश्चन पूछ ले ओके okay? तो बी प्रिपेयर ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाईकोर्ट चैप्टर से आया हुआ है सो so, हम देखते हैं क्वेश्चन को विच अमॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द कोर्ट अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट देखिए जब आप इसका ए स्टेटमेंट बी एंड डी पढ़ेंगे तो ये सारे स्टेटमेंट का रेफरेंस एंड एज इट इज लाइन आपको यहां पे मैंशन की गई है हाई कोर्ट के चैप्टर में राइट right? लेकिन अगर आप जब सी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ऐसी कोई पावर की बात नहीं की गई है दिस पावर कैन डिरोगेट द पावर कन्फर्म ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर थर्टी टू क्लॉस टू जी नहीं ऐसी कोई पावर की बात यहां नहीं की गई है ओके तो इसका आंसर सी आ जाएगा देखिए कुछ चैप्टर हैं जो आपको बहुत हॉलिस्टिकली एंड बहुत अच्छे से कवर करनी है सुप्रीम कोर्ट हो गया हाई कोर्ट हो गया पार्लियामेंट हो गया फंडामेंटल राइट्स हो गए ये सारे नेशनल इमरजेंसी हो गया ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं यूपीएससी आपके हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने मिलेंगे ही मिलेंगे राइट तो इन सारे चैप्टर को आपको बहुत हॉलिस्टिकली एंड बहुत अच्छे से कवर करना है राइट एंड जितने हो सके आप इन चैप्टर के पी को लगाइए बिकॉज जैसा यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है वैसा कोई भी फ्रेम नहीं कर सकता है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेशनल इमरजेंसी से चैप्टर सिक्सटीन राइट विच अमोग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इमरजेंसी इज आर करेक्ट देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है आप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली फोकस कीजिएगा ओनली वेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट थ्रेटन बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबिलियन देखिए जब आप ग्राउंड ऑफ डिक्लेशन पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ क्लियरली मैं प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी वेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एक्सटर्नल एग्रेशन देखिए आपका ये स्टेटमेंट तो यहां से राइट हो जाता है लेकिन ओनली का वर्ड यूज करते ही क्या सिर्फ यही रीजन है जी नहीं आपका एक और रीजन है वो आपको यहां देखने मिलेगा इट मे बी नोटेड द प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर आर नेशनल इमरजेंसी वेन इवन बिफोर द एक्चुअल नहीं है इसके एक और रीजन है राइट right? तो देख रहे हैं सिर्फ एक ओनली वर्ड यूज करने सी पी एस सी ने पूरे स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया राइट right? तो इसका आंसर आपका ए होगा नहीं बी होगा नहीं सी होगा नहीं इसका आंसर डी आ जाएगा आपका राइट right? एंड आपके बाकी स्टेटमेंट यहां एंड यहां मेंशन है तो आप देख लीजिएगा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इंपीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट देखिए आपको फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन के बहुत कंफ्यूजिंग हुआ होगा राइट right? लेकिन इसका स्टेटमेंट अगर आप लक्ष्मीकांत के रेफरेंस से ले तो नो no डाउट आपको ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिख रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है ये स्टेटमेंट आपका एकदम राइट है यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट आपके पी के एक क्वेश्चन से एज इट इज उठाया हुआ है आई डोंट रिमेंबर कौन से एग्जाम का क्वेश्चन था बट एज इट इज क्वेश्चन मैंने देखा था उस एग्जाम के पेपर में राइट तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइंड बाय एट लीस्ट हंड्रेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज डिलीवर्ड टू द स्पीकर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा अगर यूपीएससी आपको कहीं कोई भी क्वेश्चन में बोथ ऑल नेवर ऑलवेज एट द सेम टाइम ऐसे वर्ड का यूज कर रहा है कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज उस क्वेश्चन एंड उस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा बिकॉज यूपीएससी यहीं पे ही आपको घुमाता है बोथ कर देगा ऑल कर देगा नॉट ओनली कर देगा राइट right? तो ये सारे पॉइंट्स पता है आपको कब समझ में आएंगे कब ये सब चीजों को कैच करने लग जाओगे जब आप पी को सॉल्व करोगे एंड देखोगे कि यूपीएससी कहां पे क्वेश्चन को क्यों गलत कर रहा है वो क्या ऐसी चीजें चेंज कर रहा है आपको तभी समझ में आएगा कि हाँ मुझे पेपर सॉल्व करते हुए ये चीजों पे ज्यादा फोकस करनी है राइट तो अगर आप यहां पे देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में रिमूवल मोशन साइंस बाय हंड्रेड को यूपीएससी ने रॉन्ग कर दिया राइट right? तो आपको ऐसे ही PYK को देखना है एंड चैप्टर को भी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है देखिए कितना ईजी था आपका ये टॉपिक एंड स्टेटमेंट भी कितनी ईजी थे लेकिन एक सिर्फ बोथ को लगाने से यूपीएससी ने पूरे स्टेटमेंट को के मीनिंग को चेंज कर दिया एंड आपको तो कर दिया कंफ्यूज राइट सो इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने आपके सुप्रीम कोर्ट से पूछा है चैप्टर ट्वेंटी सिक्स ओके सो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डील विथ हैबी कॉर्पस देखिए इसका क्वेश्चन का रेफरेंस आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है आप जब यहां देखेंगे डिसेंटिंग जजमेंट अप होल्डिंग द राइट टू लाइफ इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी इन दी एम जबलपुर एंड शिवकांत शुक्ला केस नाइनटीन सेवेंटी आपका बी आ जाएगा and इस क्वेश्चन से आप क्या सीखते हो यह आपको पता चलता है कि यूपीएससी अब आपको केसेस के बारे में भी पूछता है राइट right? तो आपको ए सी एंड डी इन तीनों के बारे में पढ़ लेना है देखना है कि ये किसके बीच में था एंड इसका बेस क्या था राइट right? ये क्यों हुआ था ओके okay? तो आप प्लीज इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करके आप देख लेंगे ओके okay? देखिए ये दोनों क्वेश्चंस के रेफरेंस हमें लक्ष्मीकांत में तो नहीं मिले हमने ऑनलाइन जब देखा तो इसका आंसर आपको सेवनटी वन का आंसर आपको सी राइट टू इंफॉर्मेशन मिल जाएगा द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन इंडियन टू थाउजेंड फोर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इसका आंसर सी आ जाएगा एंड इसका शोभनाथन आ जाएगा सी ओके okay? तो आप देख लेंगे इसको सो so, देखिए टोटल नाइन क्वेश्चन पॉलिटी से थे एंड एंड का रेफरेंस आपको लक्ष्मीकांत से मिल गया था आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें से फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एज इट इज यूपीएससी ने पूछा है लक्ष्मीकांत से सो so, आपको कहीं और शिफ्ट नहीं होना है आपको सिर्फ लक्ष्मीकांत पे फोकस करना है एंड ऐसे फोकस करना है जैसे हर बच्चा करता है आपको हर एक टॉपिक को एंड हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़नी है आप सिर्फ लक्ष्मीकांत को दो बार पढ़ के उसके क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाओगे आपको थ्री टू फोर टाइम पढ़नी पड़ेगी एंड उसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा एंड आपको एन नंबर ऑफ पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए जहां मिले जैसे मिले आप बस सॉल्व कीजिए बिकॉज पीवाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो ओके